पुत्री, अरे पुत्री। हाँ? क्या कैसे राजकुमार को कष्ट आए हैं? क्या, मेरा अनुज कहाँ है? अभी अभी द्वार पर उतरे हैं, किसी भी क्षण यहाँ आते होंगे। सच? हाँ दीदी, दीदी प्रणाम। दीदी आयुष्मान भाव, बड़ा हर्ष हुआ तुम्हें देखकर। तुमने यहाँ आकर मेरी प्रसन्नता और बढ़ा दी। अभी अभी पुत्र भरत का विवाह संपन्न हुआ है। पर तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? दीदी, माताश्री और पिताश्री बहुत अस्वस्थ है। क्या क्या हुआ उन्हें, मुझे बताओ। सारे वैद्य हार गए, पर उनकी अस्वस्थता का कारण नहीं जान पाए। केवल राज वैद्य का ये कहना है कि वे अपने पौत्र राजकुमार भरत को देखने के लिए व्याकुल हैं, और इसी व्याकुलता ने रोग का रूप ले लिया है। दीदी, यदि आप भरत को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ कहके भेज दें, तो माताश्री और पिताश्री स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मानवी तो जा नहीं सकती, अभी तो विवाह की कई विधियां शेष हैं, और तो आप केवल भरत को भेज दीजिए। दीदी, माताश्री और पिताश्री उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। पर उसके लिए भी तो मुझे महाराज से अनुमति लेनी पड़ेगी। दाइमा, दाइमा, आप मेरे अनुज का ध्यान रखिएगा। मैं महाराज से मिलकर आती हूँ, तू चिंता मत कर। आती हूँ। दीदी, दीदी महाराज कहाँ है? ये सदा पुष्प समान खिला मुख आज मुरझा ऐसा क्यों है? क्या बात है कैकेयी, इतनी गंभीर क्यों दिख रही हो? दीदी, मायके से मेरा अनुज को कष्ट आया है। उसने बताया है कि मेरे माता पिता पुत्र भारत को देखने के लिए इतने व्याकुल हो उठे हैं कि अब उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ चला है। तो पुत्र भरत को भेज दो ना, क्या आपत्ति है? उसे ननिहाल भेजने की अनुमति ही तो लेने आई थी महाराज से। महाराज कहाँ है? मुझे तो बस ये पता है कि वो राजकाज की किसी समस्या को सुलझाने के लिए पुत्र राम को लेकर कहीं गए हैं। आपको ज्ञात है कि वो कब लौटेंगे? कुकस शीघ्र लौटना चाहता है। मुझे कोई अनुमान नहीं कि महाराज कब लौटेंगे। दीदी, आप बड़ी हैं और महाराज की अनुपस्थिति में मैं तो केवल आपसे ही पूछ सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। करना क्या चाहिए? तुम्हें पुत्र भरत को तुरंत कुकस के साथ भेज देना चाहिए। भरत के नाना नानी के जीवन का प्रश्न है, इसमें क्या सोचना? दीदी, सच आपने मेरी उलझन सुलझा दी। दीदी, आपने मेरी उलझन सुलझा दी। देवी,
तो आपको ज्ञात हो गया कि मैं क्या क्या प्रदेश जा रहा हूँ? जी स्वामी, धायमा ने हमें बता दिया है। मांडवी, ना तो मैं आपको छोड़कर जाना चाहता था और ना ही आपके बिना, किंतु लोकाचार के कारण यह संभव नहीं है, इसीलिए आपको यहीं रहना होगा। नानाश्री और नानीश्री का स्वास्थ्य और जीवन हम सबके लिए अपने स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण है स्वामी। आप जाएं, मैं माताश्री के साथ रह लूंगी। मांडवी, मेरे जीवन में आज तक वो दिवस नहीं आया जब भ्राताश्री यहां उपस्थित हों और मैंने नेत्र खोलते ही सर्वप्रथम उनके दर्शन न किए हों। उनका मुख देखे बिना मेरी भोर नहीं होती मांडवी, किंतु अब मैं जा रहा हूं तो ये उत्तरदायित्व आपको निभाना होगा। प्रातःकाल नेत्र खोलते ही आपको भ्राताश्री के चरण स्पर्श करने होंगे। आपने इतना सुंदर आदेश दिया है जिसका पालन मेरे लिए सौभाग्य और सुखदाई है। स्वामी, मैं इसके पालन का वचन देती हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ मांडवी, प्रयास कीजिएगा कि आपका अधिक से अधिक समय माताश्री के निकट व्यतीत हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि धायमा उनके पास मंडराती रहें और सच्ची झूठी कहानियां सुनाती रहें। प्रारंभ से ही मुझे धायमा कुछ अच्छी नहीं लगी। कुछ भी हो स्वामी, पर धायमा का आपसे और माताश्री से जो स्नेह है वो संसार भर में ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। मांडवी, आप फिर भी सतर्क रहिएगा। अब मुझे विदा दीजिए, मैं चलता हूं, शत्रुघ्न मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जी। चिरंजीवी भावा। भाभी श्री, भ्राताश्री कहाँ हैं? वे तो पिताश्री के साथ बाहर गए हैं। भाभी श्री, हमें कह के प्रदेश जाना है, नानाश्री अस्वस्थ हैं, उन्होंने हमें बुलवाया है। ईश्वर उन्हें शीघ्र स्वस्थ करे। किंतु भाभी श्री, भ्राताश्री की अनुमति के बिना तो हम नहीं जा सकते। किंतु वे तो न जाने कब लौटेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में तो यह अनुमति आप ही प्रदान कर सकती भाभी श्री, क्योंकि यदि भ्राताश्री की अनुपस्थिति में हमें कोई आदेश दे सकता है तो वो आप हैं। यदि मेरी अनुमति की आवश्यकता है तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि जाओ, क्योंकि तुम्हारे नाना नानी का तुम पर अधिकार है, किंतु शीघ्र ही लौट आना, क्योंकि तुम्हारे भ्राताश्री यदि तुम्हें अधिक दिन तक नहीं पाएंगे तो व्याकुल हो जाएंगे। मेरा मन भी उनसे दूर रहकर कहां लगेगा भाभी श्री। जय श्री राम, राम राम। मैं तो यदि उनका मुख न देखूं तो मेरे लिए श्वास लेना भी असुविधाजनक हो जाता है। हमें आज्ञा दीजिए भाभी श्री। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। श्री राम 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 श्री जनप्रतिनिधि सभा के आदरणीय सदस्यों, मैंने आज आप लोगों को यहां एक विशेष समस्या पर परामर्श देने के लिए कष्ट दिया।
एक राजा का यह परम धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को एक योग्य युवराज दे और एक ऐसा उत्तराधिकारी नियुक्त करे जो कि प्रजा का चहेता भी हो। बहुत सोच विचार के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार राम ही इस पद के योग्य हैं। मैं आप सबके विचार जानना चाहता हूं, क्या आप सब मेरे निर्णय से सहमत हैं? सहमत है, 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 सहमत है। आदरणीय सभासदों, यदि आप महाराज से केवल इसीलिए सहमत हैं कि मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूं और इसीलिए मुझे युवराज बनना चाहिए, तो मुझे खेद है कि मैं आप सबसे सहमत नहीं हूं। समुद्र अथाह होता है किंतु किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। अशोक का वृक्ष सबसे ऊंचा होता है किंतु किसी को छाया प्रदान नहीं करता। आकाश भी विशाल होता है किंतु किसी घर की छत नहीं बन सकता। हे महापुरुषों, ज्येष्ठता योग्यता का स्थान तो नहीं ले सकती, ज्येष्ठता योग्यता का पर्याय कभी नहीं बन सकती। इसलिए युवराज के पद का चुनाव भावनाओं की धारा में बहकर नहीं, बुद्धि के धरातल पर होना चाहिए। मैं युवराज केवल इसलिए बनूं कि मैं महाराज का ज्येष्ठ पुत्र हूं, ये आपका तर्क मुझे तनिक भी संतुष्ट नहीं कर रहा। आपने जो कहा वो केवल आप ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप श्री राम हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। यदि आप अनुमति दें तो आपसे कुछ प्रश्न करूं। आप मुझसे बड़े हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप तो मुझे उत्तर देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। पूछिए अपना प्रश्न। हे श्री राम, सुबाहु और ताड़का का वध किसने किया? मैंने। क्यों किया? इसलिए कि वो आश्रम उजाड़ रहे थे और मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया था कि मैं आश्रमों की रक्षा करूं। जनकपुरी में शिव धनुष किसने उठाया? मैंने। क्यों उठाया? इसलिए कि मिथिलेश शोक सागर में डूबे हुए थे, उस शिव धनुष को कोई भी उठा नहीं पाया था। और यदि महाराज जनक का प्रण पूरा नहीं हुआ होता तो जानकी का विवाह असंभव था। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या शाप के कारण पत्थर हो गई थी, उसे पुनः जीवन देकर स्त्री के रूप में किसने बदला? मैंने। क्यों बदला? क्योंकि वहां एक नारी के साथ अन्याय हुआ था और नारी माता स्वरूप होती है। जो समाज माता स्वरूप नारी पर अत्याचार एवं अन्याय करता है वो कभी फल फूल नहीं सकता। इतने महान कार्य करने के उपरांत आप अपनी योग्यता का प्रमाण चाहते हैं? हाँ मान्यवर, क्योंकि इन कार्यों में मुझे कोई योग्यता अथवा विशेषता दिखाई नहीं दे रही। आश्रमों और संस्कृति की रक्षा करके मैंने केवल अपना धर्म निभाया। एक नारी के साथ न्याय करके मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया और शिव धनुष को उठाकर केवल अपने गुरु के आदेश का पालन किया। हे श्री राम, प्रजा भी तो ऐसा ही राजा चाहती है जो संस्कृति की रक्षा करे, धर्म निभाए, कर्तव्यों का पालन करे। केवल आप में ही ऐसे गुण हैं। आप तो ऐसे सूर्य हैं जो स्वयं जलता है किंतु सारे संसार को अपना प्रकाश देता है। आप तो वो वृक्ष हैं जो अपने बोझ से स्वयं झुकता है किंतु दूसरों को मीठे फल देता है। योग्यता आपका मापदंड नहीं है, आप स्वयं योग्यता के मापदंड हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आपके होते हुए कोई और हमारा युवराज बने ये हो ही नहीं सकता। क्यों सभासदो? सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। राजकुमार राम की जय। 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 राजकुमार राम की राजन। गुरुवर,
यशस्वी भव। आपके मुक्की दमक को देखकर ऐसा लगता है राजन, जैसे आपके मन की इच्छा पूर्ण हो गई हो। हाँ गुरुवर, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी, जो ईश्वर पूरी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि सभा ने इस प्रस्ताव का एक स्वर में स्वागत किया है गुरुवर। बस अब आप एक शुभ मुहूर्त निकाल दें और स्वप्न को पूरा करें। राम को अयोध्या की प्रजा का समर्थन मिल गया, यह तो सचमुच बहुत ही शुभ समाचार है राजन। मैं कल प्रातः स्वयं जाकर राम को युवराज के पद ग्रहण संस्कार की सारी विधियां बता दूंगा। मैं ये शुभ समाचार महारानी कौशल्या को सुनाने के लिए व्याकुल हो रहा हूं गुरुवर। अब तो इस निर्णय को घोषित किया जा सकता है। सहर्ष राजन, महारानी को मेरी ओर से बधाई दीजिएगा। स्वास्थ्य। महारानी, महारानी, महारानी। महाराज, आज तो आपका मुख ऐसे खिला हुआ है जैसे पुष्प वाटिका वसंत ऋतु में खिल उठती है। हाँ महारानी, आज हमारे जीवन पर वसंत ऋतु छा गया है। हमारा राम युवराज बनेगा। सबने सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया है महारानी, यही निर्णय लिया है। सच महाराज, किंतु ये समाचार सुनकर सबसे अधिक प्रसन्न होने वालों में से एक यहाँ नहीं है। वो होता तो राम की युवराज बनने का उत्सव आज ही से मनाना आरंभ कर देता। कौन महारानी? भरत। वो तो अपने अस्वस्थ नाना नानी को देखने आज ही कह कह गया है। किंतु कह कह यही है, वो तो ये समाचार सुनकर झूम उठेगी। सत्य है महारानी, कुलगुरु वशिष्ठ भी शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं। कल वो राम को युवराज पद ग्रहण करने की विधियां भी सिखाएंगे। फिर तो ये समाचार मैं कैकेयी को कल ही दूंगी। इतना अकस्मात कि वो आश्चर्यचकित हो जाए और प्रसन्नता से नाच उठे। अखंड सौभाग्यवती भाव राम, तुम दोनों को साथ देखकर हर किसी का मन आनंद से विभोर हो उठेगा। तुम दोनों की जोड़ी संसार की आदर्शतम जोड़ी होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। राम, मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि आज से एक पक्ष तक तुम्हें संन्यास संस्कार करना होगा। तो इसमें मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? राम, तुम्हें निरंतर 15 दिन तक भोरमय सरयू के तट पर भगवान सूर्य की उपासना करनी होगी और निश्चित उपवास में मात्र एक समय का भोजन करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और जानकी, तुम्हें अपने पति का साथ देना होगा। गुरुवर, मैं अर्धांगिनी के समस्त कर्तव्यों का पालन करूंगी और आप तो कुलगुरु हैं। कुलगुरु होने के नाते आप मुझे शिक्षा दीजिए कि युवराज की पत्नी की क्या मर्यादा है। अवश्य, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई पुत्री कि विवाहिता होने पर भी तुम्हारे मन में शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा है। शिक्षा तो हर आयु हर अवस्था में ली जा सकती है। शिक्षा तो जीवन के अंतिम क्षण तक ली जानी चाहिए। बहुत सुंदर विचार है।